तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आया था 2002 में। क्या एनर्जी के बेसिस में इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फास्ट एक्साइटेड स्टेट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो दिया है। पूछा है कि क्या, फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी, फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ऑफ द सेम ऑर्बिट, ऑर्बिट सेम है बस। पूछा है काइनेटिक एनर्जी, मतलब मान लो ये एक एनर्जी सेट है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी है, ये अप टू इन्फिनिटी। ये हमारा ग्राउंड स्टेट होता है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड स्टेट होता है, मतलब जी एस एन। ग्राउंड स्टेट को हम एन इज इक्वल टू 1 लेते हैं और फास्ट एक्साइटेड स्टेट को बोलते हैं एन इज इक्वल टू 2। आपको कोई भी बोलेगा ग्राउंड स्टेट मतलब 1, फास्ट एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल टू 3, ठीक है, मतलब लैंग्वेज में फास्ट है बट एन इज इक्वल टू लेते हैं क्योंकि हमारा ग्राउंड स्टेट एन इज इक्वल टू 1 हो गया। तो हमको पता है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी तो होगा, तो काइनेटिक इज इक्वल टू क्या हो सकता है, माइनस टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी माइनस, पहले से -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उससे फिर से माइनस, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में हमेशा होता है, ये तो प्रूव हो गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल पॉजिटिव। बस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टोटल एनर्जी, तो आंसर क्या हो जाएगा, +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपका आंसर ऑप्शन ए, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है।